अस्सलाम वालेकुम, मैं सारी कौम को सलाम करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ, दानिया की तरफ से पैगाम है, वो इद्दत में बैठी हुई है और उसका कहना है कि मेरे खावंद ने मुझे माफ़ कर दिया था। वो एक बहुत बड़ा आलिम था, उसने पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड में मुझे माफ़ कर दिया था और उसने कहा था कि मेरी बीवी के लिए घर के दरवाजे खुले हैं और वो घर आ जाए। आखिरी 4 दिन पहले भी उसने कहा कि मैं सुलह करना चाहता हूँ, मेरे घर वापस आ जाए। तो ये कौन सी हदीस में लिखा है कि खावंद बीवी को माफ़ कर दे और ज़माना जो है उसके मरने के बाद उसके पीछे लग जाए कि इसे गिरफ्तार किया जाए? ये कौन सा कानून है, कौन से कानून में लिखा है या कौन सी हदीस में लिखा है जो खावंद माफ़ कर जाए और उसके पीछे ज़माना लग जाए, मीडिया लग जाए, ख़ास तौर पे मीडिया जो लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करे? बाकी सवाल जो हैं दानिया इद्दत के बाद अपने सवाल सबको जवाब देगी, हर सवाल का जवाब दानिया खुद देगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सारी कौम को सलाम करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ, दानिया की तरफ से पैगाम है, वो इद्दत में बैठी हुई है और उसका कहना है कि मेरे खावंद ने मुझे माफ़ कर दिया था। वो एक बहुत बड़ा आलिम था, उसने पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड में मुझे माफ़ कर दिया था और उसने कहा था कि मेरी बीवी के लिए घर के दरवाजे खुले हैं और वो घर आ जाए। आखिरी 4 दिन पहले भी उसने कहा कि मैं सुलह करना चाहता हूँ, मेरे घर वापस आ जाए। तो ये कौन सी हदीस में लिखा है कि खावंद बीवी को माफ़ कर दे और ज़माना जो है उसके मरने के बाद उसके पीछे लग जाए कि इसे गिरफ़्तार किया जाए? ये कौन सा कानून है, कौन से कानून में लिखा है या कौन सी हदीस में लिखा है जो खावंद माफ़ कर जाए और उसके पीछे ज़माना लग जाए, मीडिया लग जाए, ख़ास तौर पे मीडिया जो लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करे? बाकी सवाल जो हैं दानिया इद्दत के बाद अपने सवाल सबको जवाब देगी, हर सवाल का जवाब दानिया खुद देगी।